आरएनए जो है इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटीरियल इन सम ऑर्गेनिजम्स सम वायरसेस लेट्स एक्सप्लोर. आरएनए से पहले तो ये कंफ्यूजन था ही कि डीएनए पहले आया कि प्रोटीन पहले आए. फिर 1981 में थॉमस केस ने और उनके कलीग्स ने ये डिस्कवर किया कि आरएनए जो है इट कैन सर्व एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम कर सकता है. मीन्स आरएनए को अपना काम करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत नहीं थी. उन्होंने क्या देखा दे फाउंड दैट आरएनए फ्रॉम प्रोटोजोआ which is tetrahymena thermophila, it can excise 400 nucleotides from its RNA in the absence of any protein. कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट थी, फिर भी आरएनए ने 400 न्यूक्लियोटाइड अपने एक्साइज कर दिए, वहां से कट कर दिए. एक और एग्जांपल था, अदर एग्जांपल्स ऑफ कैटालिटिक आरएनए that has now been discovered in different types of cells are called ribozymes. So ribozymes kya hai ki these are RNA molecules which can cut out parts of their own sequences, connect some RNA molecule together, replicate others, and even catalyze the formation of peptide bonds between amino acids. तो ये जो राइबोसाइम्स हैं, वेयर द आरएनए एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो वो कैपेबिलिटी रखते हैं अपने आरएनए की अपनी कॉपीज बनाने की, कहीं पे कटिंग करनी हो कटिंग करने की, जोड़ने की, दे हैव द कैपेबिलिटीज और उनको किसी भी, एंड दे इवन कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स, उनकी भी सिंथेसिस को कैटलाइज कर देते हैं और उनको कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई और प्रोटीन नहीं चाहिए. तो ये जो फाइंडिंग थी, दिस वॉज connecting link in the process of evolution, जहाँ पे हम लोग लिंक कर सकते थे कि ये कौन सी चीज पहले आई. तो ये आरएनए थे जिन्होंने जो पहले आए, and it was the original genetic material. So the discovery of ribozyme complements other evidence and other evidence that suggested that original genetic material was RNA. तो जब लाइफ स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, क्योंकि आरएनए जो है उसने वो अपने काम इंडिपेंडेंटली करने में कैपेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. सो आरएनए इट इज लाइक डीएनए, इज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स joined together by phosphodiester bond. So nucleotide bhi, isme bhi nucleotide hi present hai, jo ki phosphodiester bond ke sath ek dusre ke sath linked hai, jaisa ki humne DNA mein padha. Lekin difference kahan pe aa gaya? Difference aa jata hai ki jo DNA nucleotide hai isme deoxyribose sugar hai, jabki RNA jo hai isme ribose sugar. So with a free hydroxyl group on second carbon atom of ribose sugar, RNA is degraded rapidly under alkaline condition. Stability ki kami thi RNA mein, kyunki isme hydroxyl group jo hai wo second carbon pe present hota hai. Wohi difference hai DNA aur RNA mein, that the sugar is called ribose sugar and is having hydroxyl group on carbon 2. So because of the presence of this hydroxyl group, jo RNA hai, it is degraded rapidly under alkaline conditions. Jo deoxyribose sugar hai, it lacks free hydrogen hydroxyl group, isliye it is more stable. That is why jo bhi with time jo evolution hua, uske baad jo DNA bana, it is a genetic material now all maximum all living organisms. डिफरेंस और क्या है? डिफरेंस है कि इंस्टेड ऑफ थायमिन एज इट इज देयर इन केस ऑफ डीएनए,
RNA is having uracil. So here you can see, this is ribose sugar, and this is having hydroxyl group at carbon 2. Whereas when we talk about DNA, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, OH नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा. तो ये इनमें डिफरेंस है. एंड इंस्टेड ऑफ थायमिन यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है. सो आरएनए कंटेन्स यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन. सो हियर यू कैन सी, तो ये इसमें डिफरेंस है. इन एडिशन टू दिस, ये भी रिपोर्ट किया गया कि आरएनए जो है इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मींस यहाँ पे वो जो न्यूक्लियोटाइड है एक सिंगल चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. बट आरएनए जो है, आरएनए मॉलिक्यूल, दे कैन फोल्ड टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? पॉइंट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री bases on the same strand. एक ही स्ट्रैंड वो फोल्ड कर गया, उसने लूप्स बना लिए, उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. अब ऐसी वाली स्ट्रक्चर डीएनए नहीं बना सकता. लेट्स एक्सप्लोर. सो द फाइनल डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज दैट आरएनए इज यूजली सिंगल स्ट्रैंडेड कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, whereas जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें टू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, which are joined by hydrogen bond. कुछ वायरसेस जो है दे कंटेन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, अदरवाइज आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही अवेलेबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. Although RNA is usually single-stranded, short complementary regions within a nucleotide strand can pair and form secondary structures. जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वो आप एक ही स्ट्रैंड जो है वो फोल्ड कर सकते हैं, हो सकता है, और उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होंगे वो आपस में पेयरिंग कर लेंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा जो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा. तो ये जो आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हेयर पिन लूप्स और स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स, ये सब कह सकते हैं. दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जहाँ पे लूपिंग हो जाती है, वो फोल्ड हो जाता है. अब लेट्स सर्च इस लूप फॉर्मेशन का और स्टेम लूप स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है आरएनए की फंक्शनिंग को लेकर. व्हेन टू रीजंस विद इन अ सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल पेयर अप, द स्ट्रैंड इन दीज रीजंस in those regions must be antiparallel with pairing between cytosine and guanine and adenine and uracil. So ye to inke pairing pattern bata gaya. In addition to this, uracil jo hai ye guanine ke sath bhi pair kar sakta hai but occasionally. So formation of secondary structures, it plays an important role in the functioning of RNA. So RNA ki functioning mein ye jo groups bana raha tha RNA, उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द बेस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, सो डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स कैन अज्यूम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. हर एक आरएनए की कंपोजिशन डिफरेंट है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उसके बेस सीक्वेंसेस कैसे है, कैसे वो आपस में पेयरिंग होगी उनमें, और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो है वो बनेंगे. तो इसलिए जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अज्यूम कर सकते हैं. बिकॉज देयर स्ट्रक्चर डिटरमाइंस देयर फंक्शन, आरएनए मॉलिक्यूल्स हैव द पोटेंशियल फॉर ट्रिमेंडस वेरिएशन इन फंक्शन. बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट शेप्स, तो इसी के वर्चू वो डिफरेंट डिफरेंट काम करने में कैपेबल है. लेकिन अगर हम इसको डीएनए के साथ कंपेयर करें तो डीएनए जो है उसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं दे आर
बाइंडेड बाय डिफरेंट फोर्सेस, जिसके कारण वो जो स्ट्रैंड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उसको सोचे कि वो फोल्ड होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी पॉसिबिलिटी आरएनए के केस में। सो विद इट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग अ हेलिक्स, डीएनए इज मच मोर रिस्ट्रिक्टेड इन द रेंज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दैट इट कैन अज्यूम एंड इट्स अ प्योर फंक्शनल रोल इन द सेल। तो अगर उसके फंक्शनल रोल की बात की जाए तो डीएनए का बहुत ही लिमिटेड फंक्शनल रोल है। नो डाउट इट इज द जेनेटिक मटीरियल वेयर द इंफॉर्मेशन इज कोडेड, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली डीएनए को अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में ट्रांसफर करनी पड़ती है, ट्रांसक्राइब करनी पड़ती है, और जाके आरएनए ही फिर फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं, वो हम लोग फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये तो समझ आ गया कि डीएनए का रोल लिमिटेड क्यों है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसे है। नो डाउट डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आरएनए, बट आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण उसमें बहुत सारे वो वेरिएशन जो है वो अटेन कर सकता है, और जो वेरिएशन है वो उसको हेल्प करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। Now let's discuss about different classes of RNA. So basically there are three type of RNA. First is ribosomal RNA. Ribosomal RNA जो है ये ribosomes का basic component है. Messenger RNA ये message लेके जाता है DNA से, and transfer RNA ये अमाइनो एसिड्स जो है उनको ट्रांसफर करते हैं। इन एडिशन टू दीज आरएनएस सम मोर आरएनएस आर देयर इन न्यूक्लियस, दीज आर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए एंड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। सो लेट्स सी ये कहां कहां लोकेट करते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है। राइबोसोमल आरएनए जो है ये बैक्टीरियल सेल और यूकेरियोटिक सेल दोनों में ही अवेलेबल है, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में, बिकॉज़ इन प्रोकैरियोट्स वी डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वहां पे तो एक कॉमन ही प्लेस होता है जहां पे ये लोकेट करते हैं। बट इन यूकेरियोटिक सेल वी हैव न्यूक्लियस व्हिच इज एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and is having nucleoplasm, तो यहाँ पे cytoplasm and nucleoplasm दो अलग हमारे पास structures available है। इसका role क्या होता है ribosomal RNA का? Structural and functional component of ribosome. This is a structural and functional component of ribosomes. Then messenger RNA. Messenger RNA जो है ये भी bacterial और eukaryotic cell दोनों में present होता है। अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह प्रेजेंट होता है, एंड इट कैरीज जेनेटिक कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए जेनेटिक कोड कैरी करता है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए, ये भी बैक्टीरिया और यूकेरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है। इन यूकेरियोट इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या से काम करता है, it helps incorporate amino acid into polypeptide chain, so ye amino acid ko carry karke leke jaye, aur jahan pe bhi polypeptide chain ki formation hoti hai wahan pe amino acid ko pahunchayega. Hum translation jab study karenge tab isme functioning jo hai wo zyada clear ho jayegi. Then small nuclear rna, small nuclear rna jo hai ye eukaryotic cell mein hi present hota hai, it is present inside nucleus and its function is in processing of free mRNA. So वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि RNA जो है वो DNA से बनता है. In case of replication, 100% DNA is replicated into its same copy, और आप कह सकते हो into its replica. लेकिन जब इसको transcription करना होता है तो जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो एक्सोम्स होते हैं, एक्सप्रेसिबल सीक्वेंसेस,
वो ही एक्सप्रेस करते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस व्हिच आर कॉल्ड इंट्रॉन्स वो सप्लाइज कर दिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने टर्म प्री एमआरएनए मेंशन की है कि फिर वो उसमें स्प्लाइसिंग और थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए जाते हैं उसकी सीक्वेंसिंग में और उसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो जाके ट्रांसलेशन कर सके। विल डिस्कस अबाउट इट इन ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल। देन स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में है और ये प्रोसेसिंग एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल आरएनए उसमें हेल्प करता है। जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है इसका फंक्शन वेरिएबल। इन एडिशन टू दिस द लास्ट वन वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। These we have already discussed. Yes, here we can discuss some more things. Like additional classes of RNA molecules, they are found in nuclei of eukaryotic cells. और इन्हें कहते हैं small nuclear RNAs और snRNAs, which combine with small nuclear protein subunits. फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स और उन्हें क्या देते हैं SNRNPs और SNRs, तो ये SNRs भी कहा जा सकता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो SNRNPs हैं, दे आर एनालोगस टू राइबोसोम इन स्ट्रक्चर, राइबोसोम के जैसे होते हैं SNRNPs लेकिन स्मॉलर होते हैं एंड दे टिपिकली कंटेन सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल कंबाइंड विद अप्रोक्सीमेटली 10 स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन सब्यूनिट्स। छोटा आरएनए होगा, सिंगल आरएनए होगा और उसमें 10 स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स होंगे। कुछ एसएनआरएनए जो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए कन्वर्टिंग प्री एमआरएनए इनटू एमआरएनए। SNRNA का रोल कहाँ पे आ गया कि वो प्री mRNA को mRNA में कन्वर्ट करता है। Then small nucleolar RNA, ये किसमें क्या है इनका रोल, they participate in the processing of ribosomal RNA. Small RNA molecule cytoplasm में भी होते हैं eukaryotic cells में और इन्हें क्या देते हैं small cytoplasmic RNA. In addition to this, the primary transcript in eukaryotes is much larger than the mature mRNA. तो जो primary transcript है वो ज़्यादा बड़ी होती है, mature RNA छोटा होता है। तो उस primary transcript को हम एक और term use करते हैं, heterogeneous nuclear RNA. Heterogeneous nuclear RNA. So, what is a major takeaway from these slides? This is that RNA differ from DNA in that it possess a hydroxyl group. तो सबसे important जो variation आ गई evolution में कि वो hydroxyl group से hydrogen बन गया जिसने उसे extra stability provide कर दी। In addition to this, it contain uracil instead of thymine and is used in single strand. और इसकी बहुत सारी classes exist करती हैं, bacterial as well as eukaryotic cell. Such type of categorization or classification it is not there in case of DNA because they are quite stable structures. So, DNA we have discussed in detail. This DNA through transcription result in the formation of RNA. अब transcription के बाद कौन-कौन से RNA बने? Messenger RNA भी बनता है, राइबोसोमल आरएनए भी बनता है और ट्रांसफर आरएनए भी। ये वो वाले आरएनए हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं और ये वाले जो है यहाँ पे हम प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मेट्रो न्यूक्लियर आरएनए भी यही है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, दीज आर द आरएनए which are produced only in eukaryotes. ये यूकैरियोट्स में बनते हैं। आरएनए जो है ये सेल्फ रेप्लिकेशन करने में कैपेबल होता है
and it has a capacity to produce its own replica. So ये condition होती है कुछ viruses जहाँ पे ये अपना replica खुद बना सकता है. And ultimately RNA जो है ये protein बनाने में help करता है. So हम लोगों ने DNA के बारे में detail में पढ़ लिया. अब हम लोग transcription mechanism जो है इसको study करेंगे कि कैसे DNA से RNA बना, कैसे ये messenger और ribosomal और transfer RNA बना, क्या है इनकी स्ट्रक्चर और कैसे ये फिर काम करते. दिस इज ऑल्सो अ वे और अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वेयर यू कैन रिलेट दैट दिस इज डीएनए. डीएनए का एक सेगमेंट फिर वो ट्रांसक्राइब होके आरएनए बनाता है. ये उसमें कोडॉन्स है एंड ये फिर उसमें ट्रांसलेशन करके अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ जाते हैं और उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. बेसिक मैकेनिज्म इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस वेयर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ दिस कोडोन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स प्रेजेंट ऑन डीएनए इट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बिकॉज़ द मेन पर्पस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज टू take that message from DNA and to express it in the form of proteins. So, mRNA जो है उसके ऊपर जो information coded होती है उसको उसके basis के ऊपर proteins की formation होती है. transfer RNA आता है फिर वो protein बनाता है वो हम लोग discuss करेंगे आपको तब पता चल जाएगा detail में. उसके बाद यहाँ पे translation होती है. इसमें कंक्लूजन क्या आ गया कि विद कोलिनियरिटी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए जीन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो डीएनए है उसमें कुछ इंट्रोन्स होते हैं कुछ एक्सॉन्स होते हैं. तो ये एक एग्जांपल है साइटोक्रोम डी जीन का. यहाँ पे ये जो है ये फाइव इसके एक्सॉन्स हैं. बीच में ये आपको जो लाइट कलर के सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं ये इंट्रोन्स हैं. ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो 1, 2, 3, 4, 5 थे वो ऐसे एक दूसरे के पास आ जाते हैं. तो ये इसकी एक्टिव यूनिट बनते हैं. एक्शन के टाइम जो एक्सॉन्स हैं वो पास पास में आ जाते हैं. इंट्रोन्स जो है वो बीच में से निकल जाते हैं. तो ये इसकी फंक्शनिंग है. यही चीजें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में स्टडी करें. थैंक यू.